92.7 बिग एफएम के बिग क्रिकेट हेडक्वार्टर पर मैच एनालिसिस विद हर्षा भोगले। इंडिया वर्सेस आयरलैंड, इसमें कोई संदेह नहीं था कि भारत को यहां पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि आयरलैंड की टीम में फाइट है जरूर, वो कोशिश बहुत करते हैं जरूर, लेकिन आखिर एक क्लास की कमी होती है। भारत की टीम में तजुर्बा इतना है, क्लास इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगा था कि आयरलैंड ज्यादा तंग कर पाएंगे, और फिर भी शुरुआत अच्छी की उन्होंने, मानना पड़ेगा। लेकिन सबसे खास बात रही आज के मैच की ये कि महेंद्र सिंह धोनी ने कितने जल्दी ये तय कर लिया कि यहाँ पे मेरे फास्ट बॉलर मुझे कुछ नहीं करने वाले, और बहुत जल्दी स्पिनर्स को ला लिया। अश्विन के उस स्पेल से बहुत फर्क पड़ा, सुरेश रैना से जल्दी जल्दी 10 ओवर करवा लिए। ये खास बात होती है धोनी की कि जांच लेते हैं बड़ी जल्दी की स्थिति क्या है मैच की, आगे चल के क्या करना है। और जो 259 रन बने, आयरलैंड के स्कोर अच्छा खासा था, लेकिन उस ट्रैक पे स्लो स्पीड की बाउंड्रीज छोटे थे, कभी दिक्कत ज्यादा पेश नहीं आने वाली थी। और जिस तरह से शिखर धवन ने बल्लेबाजी की, ऐसे बल्लेबाज को आप लाइफ नहीं दे सकते। आयरलैंड की फील्डिंग अच्छी होती है, लेकिन 2 लाइफ देना ऐसे बल्लेबाज को, तो इससे आप दोबारा वापस मैच में नहीं आ सकते। और जिस तरह से शॉट खेले शिखर धवन, भारत के लिए बहुत अहम है कि वो अच्छा खेलें, क्योंकि जब वो फॉर्म में आते हैं तो बड़ी जल्दी मैच ले जाते हैं ऑपोजिशन से। तो ये खास बातें रही मेरे ख्याल से इस मैच में, शिखर धवन का शतक लगाना, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, क्योंकि उनको जरूरत थी वक्त बिताने की, जो 50-60 गेंदें उन्होंने की। अश्विन का फॉर्म, क्योंकि ये एक नए अश्विन हमको नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, खास बात ये थी कि धोनी ने बड़ी जल्दी जांच लिया कि मैच कैसे जीतनी है। 92.7 बिग एफएम ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015।